हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, बीपीएससी तैयारी में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे 40 मार्क्स का, वही सब क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन है। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में डिस्कशन हो चुका है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए है, जिन्हें इंग्लिश में देखना है वो लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी डी सावरकर, यानी कि बी डी सावरकर ही जो है 1857 के विद्रोह को जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोले हैं। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट, इनमें से कौन से घटना जो है सबसे पहले हुआ है। तो सबसे पहले जो हुआ है वो हुआ है संथाल रिवेलियन। ठीक है, अब है, विच रिवोल्ट इज मेंशन्ड इन बंकिम चंद्र चटर्जी नोबेल आनंद मठ, यानी कि इनमें से कौन सा विद्रोह जो है, कौन सा रिवोल्ट जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ नोबेल में लिखा गया है। तो ये जो है दोस्तों हो जाएगा सन्यासी। ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट। अब है, व्हेन वेयर स्वदेशी एंड बॉयकॉट फर्स्ट एडॉप्टेड एज फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल इन इंडिया। ठीक है, संघर्ष के रूप में स्वदेशी और बॉयकॉट जो है भारत में सबसे पहले कब एक्सेप्ट किया गया था, तो ये कब एडॉप्ट किया गया था, तो ये जो है एडॉप्ट किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम में। अब है दोस्तों, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द गया सेशन ऑफ 1922। ठीक है, कांग्रेस का जो गया सेशन हो रहा था 1922 में, तो उस समय जो है उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो उस समय जो है उसके प्रेसिडेंट जो थे वो चित्तरंजन दास थे। अब है, हु लेड द पीजेंट्स ऑफ बिहार ड्यूरिंग द नन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। ठीक है, स्वामी विद्यानंद नन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम जो है पीजेंट्स ऑफ बिहार से जो है यही रिलेटेड थे। अब है, हु फाउंड हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता इन 1817। 1817 में जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज जो है किसने बनाया था। ठीक है, तो ये जो है फाउंड किया गया था दोस्तों डेविड हेयर के द्वारा। ठीक है, ये जो है डेविड हेयर के द्वारा फाउंड किया गया था कलकत्ता में हिंदू कॉलेज जो है 1817 में, ये डेविड हेयर के द्वारा जो है फाउंड किया गया था। अब है, हु एमोंग द फॉलोइंग सेड दैट कांग्रेस इज टू टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशंस व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिमाइस। तो ये जो है दोस्तों कहा गया था कर्जन के द्वारा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी में तो हो ही चुका है डिस्कशन, जिन्हें भी देखना है हिंदी में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर के वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो सर्च करने में दिक्कत होता है तो कमेंट्स करें, आप लोगों को हेल्प किया जाएगा। अब है, मिनरल्स आर डिपोजिटेड। ठीक है दोस्तों, अब जो है क्वेश्चन क्या है, मिनरल्स आर डिपोजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रेटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, तो ये हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स। अब है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिगुमिनस क्रॉप, इनमें से कौन सा जो है लिगुमिनस क्रॉप है, यानी कि फलीदार क्रॉप्स है, तो वो हो जाएगा पल्स। अब है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जो है जो जुड़ा हुआ है दोस्तों वो हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। अब दोस्तों क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट एंड स्टेगलिकमाइट स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड बाय, तो ये फॉर्म्ड किया जाता है दोस्तों अंडरग्राउंड वाटर के माध्यम से। अब है, अप्रैल 22 इज सेलिब्रेटेड एज, तो अप्रैल 22 जो है दोस्तों वो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे के नाम पे। ठीक है, अप्रैल 22 जो है दोस्तों वर्ल्ड अर्थ डे के नाम पे मनाया जाता है। अब है, टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का जो है टोपोग्राफिकल मैप जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आईएनए के संस्थापक जो हैं, आईएनए के फाउंडर जो हैं कौन थे, तो आईएनए के फाउंडर जो है दोस्तों वो हो जाएंगे मोहन सिंह। अब है, ताना भगत मोमेंट वाज रिलेटेड टू, ताना भगत मोमेंट जो है वो किससे रिलेटेड था, तो ताना भगत मोमेंट जो है ट्राइबल मोमेंट से रिलेटेड था। अब है, इन विच स्टेट इज रक्षाबंधन सेलिब्रेटेड एज ट्री सेफ्टी डे,
किस स्टेट में जो है रक्षाबंधन जो है दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है ट्री सेफ्टी डे के तौर पे, तो किया जाता है दोस्तों बिहार में। ठीक है, अब जो है दोस्तों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड, इनमें से कौन से स्टेट में जो है दोस्तों ब्लैक सॉइल जो है फाउंड होता है, तो ब्लैक सॉइल जो है फाउंड होगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाना आर देयर इन इंडिया, इंडिया में जो है फ्लोरा एंड फाना की कितने तरह के स्पीसीज हैं, तो ये जो है हो जाएगा 81,000 स्पीसीज ऑफ फाना एंड 47,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द राइटर ऑफ बंगलार माटी बंगलार जल विच वॉज ओरिजिनली ए प्रोटेस्ट सॉन्ग अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 बाई लॉर्ड कर्जन एंड फॉर विच द वेस्ट बंगाल असेंबली पास्ट रिजोल्यूशन एज द न्यू स्टेट एंथम रिसेंटली। तो दोस्तों बताना है यहाँ पे कि बंगलार माटी बंगलार जल जो था उसके रचयिता कौन थे, तो उसके रचयिता जो थे दोस्तों वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अब है हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बिल्डिंग इनॉग्रेटेड रिसेंटली, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा बिमल पटेल। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स को छोड़ दिया जाए, स्टेटिक ही देखा जाए। ठीक है, When is the Human Rights Day celebrated annually? Human Rights Day annually कब celebrate किया जाता है, तो 10 दिसंबर को। Human Rights Day annually जो है celebrate किया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब जो है फ्रेंड्स वो क्वेश्चन है, हाँ, द वाटर इज ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन फॉग विच कंसिस्ट ऑफ फाइन ड्रॉप्स ऑफ वाटर दिस इज सो बिकॉज, तो इसका आंसर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द लाइट इज स्केटर्ड टू क्रिएट अपेरेंट ओपेसिटी। अब है मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज, तो जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा c/137। अब है ए ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ ई वाट पर मीटर स्क्वायर एट ए हाई टेम्परेचर टी के व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू t/3 के द रेडिएंट एनर्जी इन वाट पर मीटर स्क्वायर विल बी, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा e/81। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एसिड विच कैन डिस्ट्रॉय द कलर ऑफ एसिडिक KMnO4 इज, तो वो जो है दोस्तों वो हो जाएगा C6H8O7। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लिया जाए। जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम एंड नोट ए रूट बिकॉज जिंजर के पास जो है नोड और इंटरनोड्स दोनों होते हैं। जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम एंड नोट ए रूट बिकॉज इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। ओके फ्रेंड्स, अब जो है ये देख लीजिए 41 का आंसर देख लीजिए, इसका आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा और डीएस का क्वेश्चन अब यहाँ पे इंड हुआ। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के जीएस के क्वेश्चन को लेकर के, तो जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी तक मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।